सो हेलो स्टूडेंट्स, अभी अपन देखने वाले नेक्स्ट टॉपिक जो कि है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। अभी थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में कुछ भी है नहीं, ये पोर्शन तुम्हारे पार्ट से डिलीट किया गया है, लेकिन कुछ है नहीं है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में। देखो, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है। अभी ये सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर है, सपोज दिस इज अ सिलेंडर। अभी सिलेंडर में कुछ गैस भर के रखा है और यहाँ पे उसको एक मूवेबल पिस्टन लगाया, एक मूवेबल पिस्टन से इसको अटैच किया, ठीक है। एक मूवेबल पिस्टन, ये मूव हो सकता है, ये मूव हो सकता है, एक मूवेबल पिस्टन लगा है, ठीक है। इसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो है T1, जो प्रेशर है वो है P1, ये चीजें फिक्स है, और जो वॉल्यूम है वो है V1, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, तो अभी जो स्टेट है इसको बोलेंगे थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। सपोज कुछ टाइम बाद इस ये पिस्टन मूव होता है, अगर अपन पिस्टन को मूव करते, सपोज करो अपन ने पिस्टन को मूव कर दिया है ये पोजीशन पे, ठीक है, ये पोजीशन पे अपन ने पिस्टन को मूव कर दिया। अब मूव करने के बाद यहाँ पे जो नया टेम्परेचर है वो है T2, प्रेशर P2 एंड वॉल्यूम V2, ठीक है। अब यहाँ पे भी कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, तो यहाँ पे भी ये जो स्टेट है, स्टेट भी इसका है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। तो इन शॉर्ट, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि जहाँ पे स्टेट फंक्शन टाइम के साथ वेरी ना हो, मतलब अभी ये करंट कंडीशन में यहाँ पे स्टेबल है, स्टेडी है, इसको मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, तो इसको मैं ऐसे 2 घंटा रखूँ कि 4 घंटा रखूँ, जब तक मैं इसमें कुछ चेंज नहीं लाता तब तक ये चीज़ें चेंज होने वाली है क्या, T1 P1 V1 अपने आप चेंज होगा क्या, चेंज नहीं होगा। तो ये जो करंट कंडीशन है इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। यही था, इसमें क्या डिलीट किया मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है, इसको डिलीट करने की कोई जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। वैसे भी इस पे से कुछ क्वेश्चन नहीं आता है, उसमें कुछ है नहीं समझने जैसा। चलो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोसेस एंड इट टाइप्स, मतलब इन शॉर्ट तुम लोग बोल सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस होते हैं। अब ये चीज़ यहाँ पे समझने वाली है, कौन से टाइप के प्रोसेस होते हैं, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ प्रोसेस, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ प्रोसेस का सिंपल सा मतलब समझो, अब कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो जो भी पर्टिकुलर रिएक्शन होता है वो कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होता है, या तो कुछ प्रेशर पे होता है, या तो कुछ वॉल्यूम पे होता है, मतलब उसकी चीज़ है, उसके जो पैरामीटर्स है, उसके जो स्टेट फंक्शन है वो फिक्स किए जाते हैं, या तो टेम्परेचर फिक्स किया जाता है, या तो वॉल्यूम फिक्स किया जाता है, या तो प्रेशर फिक्स किया जाता है, ठीक है। तो ऐसा कोई रिएक्शन या तो ऐसा कोई प्रोसेस जहाँ पे उसका टेम्परेचर फिक्स कर दिया जाए तो उसको बोलेंगे अपन आइसोथर्मल प्रोसेस। जहाँ पे कोई ऐसा प्रोसेस हो रहा हो जहाँ उसका टेम्परेचर फिक्स कर दिया जाए तो वो प्रोसेस को बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। मतलब ऐसा प्रोसेस जहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर इज जीरो, मतलब रिएक्शन के स्टार्ट में या रिएक्शन के एंड में, वो पूरे रिएक्शन के प्रोसेस के टाइम में उसका जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होता। तुम लोग ने एक बार फिक्स कर दिया 30 डिग्री, तो रिएक्शन के एंड तक 30 डिग्री ही रहेगा। तुम लोग ने फिक्स कर दिया 45 डिग्री, तो रिएक्शन के एंड तक स्टेडी ही रहेगा 45 डिग्री, उसको बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। लेकिन ये चीज़ को समझो, ये चीज़ अचीव कैसे की जाती है, ये प्रोसेस को कंटिन्यू किया कैसे जाता है। कंटिन्यू का मतलब है कि प्रोसेस को सेम टेम्परेचर पे मेंटेन कैसे किया जाता है। अब ज़रूरी तो है नहीं कि सारे रिएक्शंस एंडोथर्मिक हो या तो सारे रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो। अगर रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होगी तो हीट रिलीज करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट कैसे रखोगे। अगर कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन है, उसको हीट चाहिए, तो अगर तुम लोग हीट प्रोवाइड करोगे तो भी टेम्परेचर तो चेंज होगा, तो टेम्परेचर को मेंटेन कैसे रखोगे तुम लोग वहाँ पे, ठीक है, टेम्परेचर को मेंटेन कैसे रखोगे। तो अब बात को समझो, टेम्परेचर को मेंटेन कैसे रखा जाता है। सपोज करो कि यहाँ पे एक कोई कंटेनर है, ये रिएक्टर है, सपोज करो दिस इज अ रिएक्टर, ठीक है, इसके अंदर रिएक्शन होने वाले, दिस इज अ रिएक्टर, क्लोज रिएक्टर, ठीक है। अब ये रिएक्टर में तुम लोग ने यहाँ पे रिएक्टेंट डाल दिया, यहाँ पे रिएक्शन होगा। अभी सपोज करो कि ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक है, कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक
एक्सोथर्मिक मतलब ये हीट इवॉल्व करेगा, ये हीट सराउंडिंग को देगा, हीट इवॉल्व करेगा। अब हीट इवॉल्व करेगा तो टेम्परेचर तो इसका राइज होगा और मुझे चेंज इन टेम्परेचर जीरो चाहिए, तो मैं क्या करूँगा इसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, इसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए क्या करूँगा, इसके बाहर से, इसके बाहर से अभी तुमको यहाँ पे एकदम डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं, बस एक आइडिया देना है। तो सुनो, इसको बाहर से एक जैकेट लगा दूंगा, इसको बाहर से एक जैकेट लगा दूंगा, जैसी किट, इसको बाहर से एक जैकेट लगा दूंगा, इसके अंदर मैं कूलिंग वाटर डालूंगा। क्या डालूंगा? कूलिंग वाटर। कूलिंग वाटर मतलब सिंपल वाटर रहेगा, वो इसको क्या करेगा, कूल करेगा, जो भी हीट यहाँ पे इवॉल्व होगी वो इसको ठंडा करेगा और इसके अंदर का जो टेम्परेचर तुम लोग ने फिक्स किया है 40 डिग्री या तो 45 डिग्री, उसको मेंटेन रखेगा। यहाँ से पूरा वाटर 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 रहेगा, ठीक है, उसको क्या करेगा, और यहाँ पे नीचे ऐसे आउटलेट रहेगा इसका, तो इससे क्या होगा, जो इनकमिंग नया फ्रेश वाटर आएगा वो हीट लेगा, वो सिस्टम से हीट लेगा लेकिन सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करेगा और यहाँ से निकल जाएगा और सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करेगा, ठीक है। लेकिन ये कब था, जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो। लेकिन अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक हुआ, अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक हुआ तब क्या, एंडोथर्मिक मतलब तुमको हीट प्रोवाइड करना है, तुमको हीट प्रोवाइड करना है, हीट प्रोवाइड करना है, एंडोथर्मिक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सुनो, जहाँ पे तुम लोग वाटर डाल रहे थे ना, वाटर की जगह पे स्टीम डालोगे, वाटर की जगह पे क्या डालोगे, वाटर की जगह पे तुम लोग डालोगे स्टीम, स्टीम डालोगे, वाटर की जगह पे स्टीम डालोगे, ठीक है। अब वाटर की जगह पे स्टीम क्यों डाला जाता है, स्टीम क्या होता है, स्टीम हाई टेम्परेचर वाला होता है, ठीक है, तो वो तुम्हारे सिस्टम को हीट प्रोवाइड करेगा, तुम्हारे सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और वाटर एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा, वाटर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, खींचेगा, तुम्हारे सिस्टम से खींचेगा। तो अगर वाटर डाल रहे हो तो याद रखना वाटर हमेशा नीचे से डाला जाता है, इनलेट वाटर का हमेशा नीचे से होता है, लेकिन अगर स्टीम डाल रहे हो तो स्टीम का इनलेट हमेशा ऊपर से होता है, ये चीज़ याद रखना। वैसे तुमको अभी इतना डिटेलिंग की ज़रूरत नहीं है, क्यों इसका इनलेट नीचे ही होना चाहिए, क्यों इसका इनलेट ऊपर ही होना चाहिए, बस तुमको खाली समझना है कि यहाँ पे स्टीम और वाटर का यूज़ क्या होगा। अगर तुम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन परफॉर्म करवा रहे हो तो स्टीम डालोगे, और एक्सोथर्मिक परफॉर्म करवा रहे हो तो वाटर डालोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर तो सेम रहेगा लेकिन इसका जो हीट है, इसकी जो एनर्जी है वो एक्सचेंज हो सकती है सिस्टम टू सराउंडिंग। ये चीज़ें माइंड में मत रखना कि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो हीट भी चेंज नहीं हो रही, दिस इज टोटली रॉन्ग। टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है लेकिन हीट चेंज हो रही है, हीट एक्सचेंज हो रही है तभी तो उसका टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है, हीट एक्सचेंज हो रही है तभी तो इसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो रहा है, तो इसको बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। क्लियर है? एकदम क्लियर। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है आइसोबारिक प्रोसेस। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब होता है एट सेम प्रेशर। आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब होता है एट सेम प्रेशर, आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है। अब आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब होता है एट सेम प्रेशर, मतलब चेंज इन प्रेशर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। चेंज इन प्रेशर डेल्टा पी मतलब रिएक्शन के स्टार्ट का जो प्रेशर होगा और रिएक्शन के एंड का जो प्रेशर होगा ये जीरो होना चाहिए, डेल्टा पी इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। अब ये चीज़ याद कैसे रखोगे कि आइसोबारिक में प्रेशर से रिलेटेड है और आइसोथर्मल में टेम्परेचर से रिलेटेड है, ये मैं एंड में बताऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल समझो आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस मतलब ऐसा प्रोसेस जहाँ पे डेल्टा पी क्या हो, जीरो। तो ये प्रोसेस कहाँ परफॉर्म करवाई जाती है, नॉर्मली ओपन कंडीशंस में, नॉर्मली ओपन कंडीशन में। अब तुम लैब में जाते हो, लैब में सपोज तुम लोग ने कोई बीकर लिया, ठीक है, कोई ओपन बीकर लिया, इसमें तुम लोग ने रिएक्टेंट ऐड किया, ठीक है, ये एक रिएक्टेंट डाला है, दूसरा रिएक्टेंट डाला, दोनों का रिएक्शन हुआ। अब रिएक्शन के स्टार्ट में भी ओपन एटमॉस्फेयर में था, वन एटमॉस्फेयर, रिएक्शन के एंड में भी इसका प्रेशर तो सेम ही है, ओपन एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पर डेल्टा पे क्या हो गया, जीरो। मतलब ऐसे रिएक्शन जो कि ओपन एटमॉस्फेयर में कराए जाते हैं, जो कि ओपन एटमॉस्फेयर में कराए जाते हैं, जहाँ पे प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, चेंज इन प्रेशर जीरो, मतलब प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो उसको बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। क्लियर? फिर जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट होता है आइसोकोरिक। जो नेक्स्ट टाइप है वो है आइसोकोरिक प्रोसेस। अब आइसोकोरिक प्रोसेस में, आइसोकोरिक प्रोसेस में जो डेल्टा वी होता है वो जीरो होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस में जो डेल्टा वी है वो जीरो होता है। आइसोकोरिक मतलब एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे रिएक्शन के स्टार्ट में वॉल्यूम और रिएक्शन के एंड में वॉल्यूम सेम होना चाहिए। इसका मतलब क्या, देखो एक्सप्लेन करता हूँ। अभी ये जो आइसोकोरिक प्रोसेस है नॉर्मली क्लोज कंटेनर या तो क्लोज रिएक्टर में किए जाते हैं। क्यों ऐसा, सुनो, अगर सपोज
सपोज यहाँ पे तुम लोग दो रिएक्टेंट डालते हो, दो रिएक्टेंट को ऐड करते हो, इनका रिएक्शन स्टार्ट होता है। अब रिएक्शन स्टार्ट होके अगर यहाँ पे कुछ गैसेस प्रोडक्ट बन रहा है, अगर यहाँ पे कुछ गैसेस प्रोडक्ट बन रहा है तो गैसेस प्रोडक्ट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अगर अगर ये क्लोज कंटेनर ना हो, ये क्लोज कंटेनर ना हो तो क्लोज कंटेनर नहीं होगा तो क्या होगा, ये गैस तो यहाँ से निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई गैस फॉर्मेशन हो रही है तो गैस फॉर्मेशन तो गैस बन के बाहर निकल जाएगा, तो गैस बन के बाहर निकल गया तो रिएक्टेंट का ही तो गैस बना ना, वो गैस किसका बना, रिएक्टेंट का ही गैस बना। तो रिएक्टेंट का गैस बना मतलब उसका जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा उसमें कुछ तो वॉल्यूम कम होगा, उसमें कुछ तो उसका वॉल्यूम कम होगा। सपोज करो अगर तुम लोग ने स्टार्टिंग में 50 ml प्लस 50 ml दो रिएक्टेंट डाला है, 50-50 ml, ठीक है, तो स्टार्टिंग में इसका वॉल्यूम है टोटल 100 ml, तो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन भी प्रोडक्ट का टोटल वॉल्यूम 100 ml ही मिलता है, तो इसका मतलब ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, यहाँ पे वॉल्यूम का कोई चेंज नहीं हुआ है। लेकिन अगर तुम लोग यहाँ पे चेक करोगे, 50 ml डालोगे, 50 ml डालोगे और सपोज करो यहाँ पे कोई गैस जनरेट हो रही है, कोई गैस जनरेट हो रही है और वो गैस यहाँ से निकल जाएगी क्योंकि यहाँ पे क्लोज कंटेनर नहीं है, ओपन कंटेनर है, तो यहाँ से गैस निकल जाएगी, गैस निकलेगी, एक्सेप्ट किया, तो ये चीज समझो आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर चेंज नहीं होता लेकिन वॉल्यूम चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है, ठीक है, ये चीज याद रखना। और आइसोकोरिक प्रोसेस में, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, क्यों चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो गैस बनेगी वो बाहर नहीं जा पाएगी, वो कंटेनर के अंदर ही रहेगी, सिस्टम के अंदर ही रहेगी, तो उसका जो वॉल्यूम है वो तो फाइनली तुमको सेम ही मिलेगा, जो एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन एट द एंड ऑफ द रिएक्शन उसका वॉल्यूम तो तुमको सेम मिलेगा। लेकिन अगर कुछ गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो तुमको पता है अगर गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो उसका प्रेशर धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, सिस्टम का प्रेशर इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, तो एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन एंड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन प्रेशर चेंज हो सकता है, आइसोकोरिक में प्रेशर पक्का चेंज हो सकता है एंड होता ही है, लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, तो ये चीज़ याद रखना, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होगा, प्रेशर भले ही चेंज हो सकता है, प्रेशर बढ़ भी सकता है, प्रेशर घट भी सकता है, डिपेंड करता है तुम्हारा रिएक्टेंट कौन से टाइप का है, लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो आइसोबारिक में प्रेशर चेंज नहीं होगा लेकिन वॉल्यूम चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है डेफिनेटली, लेकिन लेकिन प्रेशर चेंज नहीं होगा। और आइसोकोरिक में वॉल्यूम चेंज कभी नहीं होगा, डेल्टा भी चेंज नहीं होगा, लेकिन जो डेल्टा पी है ये चेंज हो सकता है, इट इज हाईली पॉसिबल कि डेल्टा पी चेंज हो जाए, और होता है, नॉर्मली होता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है एडियाबेटिक प्रोसेस, अब ये एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है सुनना, एडियाबेटिक प्रोसेस मतलब ऐसी प्रोसेस जहाँ पे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच कोई भी हीट एक्सचेंज ना हो, क्या एक्सचेंज ना हो, कोई भी टाइप का हीट एक्सचेंज नहीं होना चाहिए सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, उसको बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस, जहाँ पे क्यू इक्वल्स टू जीरो होता है। मतलब तुम लोग एग्जांपल ले सकते हो कि सपोज यहाँ पे एक रिएक्टर है, ठीक है, एक रिएक्टर है, अभी रिएक्टर में चाहे एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है चाहे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है उससे फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता, ठीक है, क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके बाहर तुम लोग ने और एक कवरिंग लगा दी है, उसके बाहर तुम लोग ने क्या किया है, ये और एक कवरिंग लगा दी है और इसको बोला है तुम लोग ने इंसुलेटर, या तो आइसोलेटेड सराउंडिंग, या तो ये जो सराउंडिंग है ये आइसोलेटेड सराउंडिंग है। आइसोलेटेड सराउंडिंग मतलब क्या, ये सिस्टम से सराउंडिंग को हीट एक्सचेंज नहीं करने देगा, सिस्टम से सराउंडिंग को या तो सराउंडिंग से सिस्टम को कोई भी टाइप का हीट एक्सचेंज यहाँ पे नहीं होगा, अब हीट एक्सचेंज नहीं होगा तो क्या हो सकता है, सर हीट एक्सचेंज कैसे नहीं होगा, सुनो अगर यहाँ पे कोई रिएक्शन हो रहा है और वो रिएक्शन को मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, कैसा रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक, अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट तो इवॉल्व करेगा ही, एक्सोथर्मिक का मतलब ये होता है हीट इवॉल्व होना, तो अगर हीट इवॉल्व हुआ और यहाँ पे इंसुलेटर लगाया है मतलब ये एनर्जी को एक्सचेंज नहीं करने देगा, एनर्जी को रिलीज नहीं होने देगा, तो उससे क्या होगा, अगर एनर्जी रिलीज नहीं होगा तो अंदर ही टेम्परेचर बढ़ेगा, अंदर ही क्या बढ़ेगा, अंदर ही उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो डेफिनेटली उसका जो इंटरनल एनर्जी होगा वो भी इंक्रीज ही होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होगा, अभी इंटरनल एनर्जी क्या होता है आगे आएगा डिटेल में, उसका सिंबल होता है यू, ठीक है। अगर सपोज एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, सपोज इफ इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, और एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है,
बोलो एंडोथर्मिक का मतलब उसको एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और यहाँ पे कोई भी एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब कैसे कर सकता है? क्यू इक्वल्स टू जीरो है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो डेफिनेटली उसका जो टेम्परेचर है वो कम होगा, और टेम्परेचर डायरेक्टली डिपेंड होता है इंटरनल एनर्जी को, तो टेम्परेचर कम होगा तो डेफिनेटली इंटरनल एनर्जी भी कम होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज नहीं होगा, लेकिन टेम्परेचर कम या ज़्यादा डेफिनेटली हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? ये चीज़ अपने दिमाग में फिट रखना। ठीक है, तो अब मैं तुमको ये बताना था कि तुम लोग ये चीज़ याद कैसे रखो कि आइसोथर्मल में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है, आइसोबारिक में प्रेशर कॉन्स्टेंट होता है, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होता है, एंड एडियाबेटिक में क्यू कॉन्स्टेंट होता है। सुनना, एकदम सिंपल सी चीज़ है, कुछ है नहीं इसमें, एकदम सिंपल सी चीज़ है। देखो, जहाँ तक बात थी आइसोथर्मल प्रोसेस की, जहाँ तक बात थी आइसोथर्मल प्रोसेस की, तो ये तो तुम लोग समझ सकते हो, आइसो का मतलब सेम, आइसो का मतलब सेम, और थर्मल इज रिलेटेड टू टेम्परेचर, थर्मल इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। तो यहाँ पे आइसो मतलब सेम, थर्मल इज रिलेटेड टू टेम्परेचर, तो सेम टेम्परेचर मतलब डेल्टा टी जीरो होना चाहिए थ्रू आउट द रिएक्शन, थ्रू आउट द रिएक्शन टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या क्या चेंज हो सकता है? प्रेशर डेफिनेटली चेंज हो सकता है, वॉल्यूम भी डेफिनेटली चेंज हो सकता है, प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो सकता है, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, टेम्परेचर डज नॉट चेंज। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं आइसो बारिक की। अब आइसो बारिक में तुम लोग ऐसे याद रख सकते हो, आइसो का मतलब तो सेम होता है, और प्रेशर का यूनिट क्या होता है? बार। प्रेशर का यूनिट क्या होता है? बार। तो तुम लोग बार से याद रखो कि अरे बार, बार मतलब ये प्रेशर का यूनिट है, मतलब यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, लेकिन क्या क्या चेंज हो सकता है? वॉल्यूम चेंज हो सकता है, टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है। ठीक है, आइसोकोरिक में, आइसोकोरिक में आइसो मतलब सेम और कोरिक मतलब वॉल्यूम, तो आइसोकोरिक में वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए, सेम वॉल्यूम रहना चाहिए, वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या चेंज हो सकता है? प्रेशर चेंज हो सकता है, एज वेल एज टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है डेफिनेटली। ठीक है, नेक्स्ट है एडियाबेटिक। एडियाबेटिक में हीट एक्सचेंज नहीं होना चाहिए, हीट एक्सचेंज नहीं होना चाहिए सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, तो इसलिए अपन क्या लगाते हैं? सिस्टम को तुरंत अटैच करते हैं इंसुलेटर से, इससे क्या होता है? हीट एक्सचेंज बंद हो जाता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच। अब हीट एक्सचेंज बंद हुआ और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो उसका टेम्परेचर राइज होगा और इंटरनल एनर्जी राइज होगा, और वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है और उसको हीट मिला ही नहीं, हीट मिला ही नहीं, तो डेफिनेटली टेम्परेचर भी लूज होगा और इंटरनल एनर्जी भी उसकी कम होगी। ठीक है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्यू चेंज नहीं हो सकता, क्यू चेंज नहीं हो सकता याद रखना, लेकिन टेम्परेचर चेंज हो सकता है, प्रेशर भी चेंज हो सकता है। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? क्लियर हो गई? ओके, एक और बार देखना वीडियो को तो एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।